सो ये आज के रूम का छोटा सा टूर इन्होंने दे दिया है, पर ये मुझे छोटी छोटी, और ये जकूजी है। तुम्हें मेरी याद आती है? हाँ आती है। फिर आप मतलब क्या करते हो? मैं गली के कुत्तों को जाके रोटी डाल देती हूँ। घर सेलिब्रेट करने के बाद अभी बज गए हैं 4। अभी हमने सबने बहुत अच्छे से लंच वंच कर लिया, सो नाउ अरुण इज ऑल्सो रेडी, मैं भी रेडी हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ एक स्पेशल जगह पे, जहाँ पे अरुण ने मुझे बहुत बार बोला था कि उपासना वहाँ जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है, बट हर बार हो जाता था नहीं। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना आज फिर हम वहीं रुकेंगे एंड कल मॉर्निंग वहीं से डायरेक्ट क्लिनिक। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। ये मेरा गिफ्ट था कल का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे सेल्फ गिफ्ट था अपने लिए, खुद को दिया है क्योंकि मुझे पसंद आ गया वहाँ पे और फिर मैंने खुद के लिए भी खरीद लिया। तो मेरे बर्थडे पे पता है मतलब एक चीज तो होती है, जब हम धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाते हैं मतलब जब, तो हमें जैसे कुछ अच्छा लगता है या कुछ है मतलब, अब ना मम्मी पापा को बोलने में खैर हम लोग नहीं हेजिटेट करते हैं, पर मतलब मैंने अभी भी देखा है कि कुछ बच्चों में ना वो गैप है पेरेंट्स में, जैसे कि आप। तो मतलब अरुण ना पापा से इतना ज्यादा हेजिटेट करते रहे, जब कल पापा ने मतलब शगुन भी दिया ये भी, तो अरुण कैसे हो रहा था यार ये कैसे हेजिटेट? नहीं यार, यार जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मतलब आप प्लीज आप लोग सब कमेंट करके बताना क्या ये बात सच है कि नहीं है। यार जो मिडिल क्लास जो लड़के होते हैं ना खासकर, यार उनके साथ ना मम्मी के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, सारा हंसी मजाक, लेकिन पेरेंट्स के लिए पापा के लिए ना एक रिस्पेक्ट होती है, मतलब वो उतना खुल के बात नहीं कर पाते। यार हम जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं ना, तो यार बाप को हक करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बैरियर ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्रिएशन है जैसे, पर हाँ मतलब होता है, जैसे शैंकी भी है तो वो भी मम्मी से ज्यादा है, पापा को इतना जल्दी होता है, और हम लड़कियां होती है खास खास सबसे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं मॉल, मुझे अरुण के लिए एक दो शर्ट सी लेनी थी वो लेने के लिए, फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग, मतलब जो अभी है हम लोग वसंत कुंज में है। अभी जहाज गया जहाज, ये पता है क्या, जब से ना हम एयरपोर्ट के पास से आ रहे हैं अरुण जहाज गया जहाज में डट जा चला लें मैंने क्या होता था ना यार, एक मिनट को लुक वो कुछ नहीं दिखानी, कैंसल है रीजन तुम्हें पता, जूते नहीं पहने पता क्या है, बीवी निकाल के रख देती तो पहना जाता, जो निकाल के देती है वो पहन के आके कह रहे मुझे याद ही नहीं रहा कि तू जूते लाए, नहीं नहीं रही कि मेरे पास एक जोड़ी के अलावा दूसरा ही है, पता यही रीजन है, वहां से ये वाले पहन के आ गए हैं और कह रहे मेरे को ध्यान ही नहीं है। यार पता क्या मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है इनकी ना, मुझे भी पता क्या, मैं ना फोटोज ऐड करूंगा इनकी ना, पता बिल्कुल अच्छी फोटोज नहीं आ रही। अब मैं ये नहीं कह रहा इसमें तो शक्ल का कोई लेना देना नहीं है ठीक है, बट स्टिल क्यों नहीं आ रही यार तुम्हारी, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें वो कॉम्प्लीमेंट वो तुम्हें क्या बोलते कॉम्पिटिशन नहीं दे रही यार तुम्हारी, क्यों नहीं आ रही अच्छी, मुझे बुरा लग रहा है यार। चलो भूख लग गई। ये आज की इनकी लुक है जिसको इन्होंने भड़ता बनाया पूरा, यहाँ तक अच्छा था, ये देखो घर ही भूल गए, रह गए भाई, और रह नहीं गए, तुम्हें याद ही नहीं था कि तुम्हारे लिए जूते आ रहे हैं, याद ही नहीं था ठीक नहीं, रीजन ये है कि मैंने निकाल के बेड पे नहीं रखे, जो निकाल के दे दिया था वो पहन लिया, जो नहीं निकाला वो छोड़ दिया, फिर लोग बोलते हैं बीवी का काम क्या है, बताओ एक जूते तक खुद याद नहीं रहता। और ये हम लोग आए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम यहाँ क्या खा रहे हैं, अरुण ने अपने बर्थडे पे क्या ऑर्डर किया है, और ये मैगी 139 रुपीज की है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जब ये गाड़ी वसंत कुंज की तरफ चल रही थी मैं तभी समझ गया था कि हम यहीं पे जाने वाले हैं, एंड यस लास्ट टाइम भी यहीं पे था। आइडियली शूट आपको करना चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है एंड आप मेरे को लेके जा रहे हो, होस्ट वोस्ट कुछ नहीं है ठीक है, दोस्त से सीधा होस्ट पे आ गए हैं, ये देखो इनको, तो यार ये बहुत ही ब्यूटीफुली ये बना हुआ है, तो आज हमारा दिस वन सोनोरा। तो ये हमारा रूम है सोनोरा, सोनोरा का मतलब होता है इट इज अ मेक्सिकन नेम फॉर बेबी गर्ल्स विद अ लवली सूदिंग क्वालिटी। ओके सो उनको पता था मैं यहाँ आने वाली हूँ, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा सा सुनाई दे। सो ये यहाँ पे एक छोटा सा काउच, हमारा बेड, ये पूरा केव्स का, मेरे को ये मतलब एक्चुअली ये केव्स बाय इंटरजीत, कोई हम प्रमोशन नहीं करे बट एक्चुअल में हमें ये प्लेस पसंद है बहुत ज्यादा, मैंने कहा था यार करवा लो प्रमोशन तो उन्होंने कहा
कि सर हमारे पास ऑलरेडी रोज की बुकिंग होती है, हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इन्होंने बहुत ही अच्छे उसमें बना रखा है, ठीक है। ये वो है, फाइबर है नीचे और ऊपर वो मिट्टी का लेप है ये। ये चेयर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है, पास ना बस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बहुत ही हाईटेक वो जो बिल्डिंग्स वगैरह हाँ। होती है, तो हम प्राचीन चीजों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम दोबारा पीछे की तरफ जाते क्योंकि जैसे गांव में गोबर की लिपाई करते थे, ये मिट्टी वाले मकान होते हैं। आपने कई जगह देखे होंगे जो प्लास्टर के डिजाइन वैसे दिए जाते हैं, मतलब वो प्लास्टर नहीं करते प्लेन वाला, वो ब्रिक्स वाला करते हैं डिजाइन के लिए। तो ये है, ये यहाँ भी इनके फोन चल रहे हैं। सो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है डॉक्टर उपासना वोहरा को फॉर प्लानिंग आउट थिंग्स सो अमेजिंगली सो नाइसली। तो एक्चुअली क्या था यार कि बहुत सारे प्लान्स बने थे, जैसे कि हमने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया कि क्या रीजन था कि यार हम लोग नहीं उनको एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, काफी अच्छा सा प्लान व्लान किया। कल रात को भी जो सारे प्लान्स वगैरह थे सरप्राइज थे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। एंड जो इन्होंने अभी वाला जो इंद्रजीत भाई केव, कल रात को मैंने कहा यार, मैंने कहा कर लो ना यार बुकिंग, करे यार उनके पास कुछ भी स्लॉट ओपन नहीं है, नहीं जा सकते, मैं सुबह उठ के देखती हूँ कुछ सोचती हूँ, मने मन तो गुस्सा आ रहा था, तेरी है ऐसी की तैसी, बट सुबह कैसे बताना जैसे उठाया। हाँ सुबह तो वो व्लॉग में दिख जाएगा, ठीक है। ये ऐसा जंतु है, मतलब ऐसा प्राणी है, मैं जीव जंतु कह रहा हूँ, ऐसा प्राणी है ना, मेरी तारीफ कर ना सुबह वाला, सुबह से 5 बार पूछ चुकी है सुबह वाले, मैंने कहा भाई बढ़िया था, और कैसे छाती पे लिख के रख लू, यहाँ पे लिख लू सफेद वाली टी शर्ट पे बढ़िया था, रोज तुम्हें दिखेगा बढ़िया था। सो ये आज के रूम का छोटा सा टूर इन्होंने दे ही दिया है, पर ये मुझे छोटी छोटी यूनिक सी चीजें जो बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे कि ये बेल है और इसको आई गेस वेल्ड वगैरह करके इसको ये वाली शेप दी गई है। और ये जकूजी है। सुनो यार, तुम्हें मेरी याद आती है? हाँ आती है। फिर आप मतलब क्या करते हो? मैं गली के कुत्तों को जाके रोटी डाल देती हूँ। सो केक हमने इतने सारे काट लिए थे, तो मैंने अभी ऑर्डर किया है एक बहुत ही स्पेशल छोटा सा केक, छोटी सी पेस्ट्री। तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी? रील्स बना रहे थे। सो इट्स टाइम फॉर केक का केक कटिंग, पेस्ट्री कटिंग। नो इट्स माय मिनी केक बिकॉज़ हम दो हैं। हैप्पी, तो छोड़, इट्स माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्र है ये नहीं कहा इट्स आवर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, नहीं पहले तुम कर लो पहले, ठीक है, मैं नहीं तो कौन मैं। सो हमारा डिनर आ चुका है, आज मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, अरुण के चिली पोटैटो, मेरा अरेबियटा पास्ता। कहीं भी जाती हूँ, मतलब अब तो विंटर स्टार्ट हो गया, तो मतलब सूप का सीजन स्टार्ट हो गया है, क्रीम ऑफ मशरूम, वेज क्लियर सूप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रेनिंदर 7 व्लॉग्स। एंड यार अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इतना बैग लेके आए थे, ठीक है ना, मुझे चेंज करने दिए ना खुद के, मुझे कह रहे जंप सूट नहीं पहनना, इसी को दोबारा पहन। अच्छा थोड़ी बहुत तो मान ही लेती है यार। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, मैं अभी हम लोग एक्चुअली क्लिनिक ही जा रहे हैं क्योंकि ओपीडी है, अभी 10 बजे हैं, तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। और 1 बजे से आज मैंने ओपीडी रखी थी, थोड़ी सी लेट रखी थी, अभी रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। देखो हमारा रात का खाना ऐसे नहीं होता, जैसे मंगवाया था ना जिस कंडीशन में वैसा का वैसा छोड़ा है हमने। चलो बाय बाय सोनोरा, सो बाय 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 मुखोटे, बाय 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 एंड बाय बाय। यहाँ से अभी हमें 1.5 घंटा लग जाएगा उत्तम नगर पहुँचने में, और उसके बाद ये करेंगे ओपीडी अटेंड, मैं करूँगा बच्चों के साथ मीटिंग, सारा काम का डिस्कस करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था यार कि हमें बैकएंड के लिए एक बॉय की नीड है, जो डेटा एंट्री का काम, पार्सल्स का, ट्रैकिंग का, ये सब मैनेज कर पाए। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी काम है। हाँ बट ट्रस्ट वर्दी, मतलब अच्छा हो, लॉयल हो, वैसा बंदा चाहिए यार हमें। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है दिल्ली में नियर बाय, तो वो विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। और
और आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, अगर आप लोग यार पिगमेंटेशन से बहुत ज्यादा परेशान है या पीसीओडी से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। उपासना की दुनिया को जाके देखिए, जब आप लोगों को लाइव रिव्यू शेयर करते देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि यार आयुर्वेदा किस लेवल पे वर्क करता है।